प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम डिस्कशन करनी है एक क्वेश्चन के ऊपर। हमारे बहुत सारे जो साधक हैं, शिव भगत हैं, एस्ट्रो सेंटर में उन्होंने कहा है कि हमें लगीमा शक्ति जो महादेव शिव शंकर की है, अष्टम शक्तियों में से एक, इस पे छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाइए। तो दोस्तों क्या है कि हमारे जो महादेव शिव शंकर हैं, इनकी आठ शक्तियां हैं, जिसमें अनिमा, लगीमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, परिकम्या, वशिष्ठवा, अशितवा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ लगीमा शक्ति की कर रहे हैं। लगीमा शक्ति में क्या होता है दोस्तों, कि जब हम प्रभु की बहुत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, वहाँ तक हम जाएं, उस समाधि की स्थिति में जाके हम प्रभु को प्यार जब करेंगे, तो तब हमारी बॉडी के अंदर लगीमा शक्ति जाग जाती है। लगीमा शक्ति सीधी हमें महाकाल शिव शंकर से जोड़ती है। उससे क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी माता है, ये जितनी भी इसकी मैग्नेटिक शक्तियाँ होती हैं हमें खींचने वाली, वो कम हो जाती हैं। उससे बॉडी का वजन कम हो जाता है। जब बॉडी का वजन कम होगा तो जो बॉडी है हमारी, जो मानव चोला फाइव एलिमेंट्स का बना हुआ है, ये फ्लोट करने लगता है। तो बहुत सारे हमारे साधु संत सन्यासी लोग फ्लोट कर सकते थे, हवा के अंदर उड़ सकते थे। तो इसी का छोटा सा उदाहरण हम करते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि ये शक्ति तभी जगेगी अगर हम अपने वेदों के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और अपने मन को और शरीर को संपूर्ण रूप से महाकाल शिव शंकर के चरणों में समर्पण कर देंगे, उसका सरेंडर कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अपनी मंत्र बोल के अपनी समाधि की स्थिति में जाते हैं। फिर जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो आसन को हटा देंगे और हम प्रभु का विराग करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें वैसे आधा पौना घंटा लगता है समाधि की स्थिति में जाने में, और ये सिंबॉलिक हम आपके लिए कर रहे हैं। पंडित जी हटाइए आसन को धीरे धीरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकाल की जय हो। अलख नरंजन कर शिवम। तो अब महादेव का छोटा सा विराग करते हैं। महाकाल महारूप महादेवा, महाकाल महारूप महादेवा, भोलेनाथ महाकाल महादेवा, बम 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 महादेवा, शिव 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 महादेवा, शंभुनाथ महाकाल महादेवा, सोमनाथ महाकाल महादेवा, जय 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 महादेवा, बम 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 महादेवा, गंगधारी महाकाल महादेवा, भस्मधारी महाकाल महादेवा, भोलेनाथ महाकाल महादेवा, शंभुनाथ महाकाल महादेवा, गौरीनाथ महाकाल महादेवा, जय 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 महादेवा, शंभुनाथ महाकाल महादेवा। हर हर महादेव, प्यारे महादेव, न्यारे महादेव, सब है महादेव, ये जग है महादेव, तेरे महादेव मेरे महादेव, हम भी महादेव तुम भी महादेव, ये सब है महादेव, ये जग है महादेव, हर हर महादेव, सबका भला हो। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो सिद्धियाँ हैं
इनको आप स्टडी कर सकते हैं, इनको आप अपने धार्मिक पुस्तकों में देख सकते हैं। हम इनके छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, अगर आपको पसंद आएंगे तो और डालेंगे, लेकिन इनको मिसयूज नहीं करना है और बहुत किसी समझदार टीचर से ही इनको सीख के तभी करना है। लेकिन पहले आप प्रभु को प्यार करना शुरू करिए। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो, भोले बाबा की जय हो। हर महादेव। प्यारे दोस्तों, फिर हम अनिमा शक्ति की डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि इसको बॉडी को और शरीर को, जो भी अंदर के तत्व हैं सारे और मन है, इनको हम शुद्ध करके बॉडी को लाइट कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी फिर आपकी लेविटेट हो जाएगी। फिर लेविटेशन में आप प्रभु की क्रियाएं कर सकते हैं, प्रभु को प्यार कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। तो आप लेविटेशन इसकी शुरू करते हैं। पहले अंतर ध्यान में जाइए और इसको उठेगी बॉडी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय महादेव, भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा की जय हो, महाकाल की जय हो। अब लेविटेशन में आप क्रिया भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय महादेव, हर हर महादेव, भस्माधारी की जय हो, त्रिपुंडधारी की जय हो, भस्माधारी की जय हो, जय भोले बाबा, जय जय भोले बाबा। आप समाधि में भी बैठ सकते हैं। हर हर महादेव, जय जय महादेव।